अब तीन प्रकार की गति को समझिए। प्लेट में जो गति होता है वो कितने प्रकार का होता है? देखिए, प्लेट जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार से गति करती है। कैसे गति होगा? एक प्लेट है जिसको कहा जाता है अपसारी प्लेट गति, एक गति ये है। दूसरा गति है अभिसारी प्लेट गति। तीसरा प्लेट है समानांतर प्लेट गति। यानी कि अपसारी प्लेट गति को अंग्रेजी में कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, अभिसारी प्लेट गति को कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, और समानांतर प्लेट गति को कहेंगे पैरेलल प्लेट मूवमेंट। ये होता क्या है अपसारी प्लेट गति? जब कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है तो उसको कहेंगे अपसारी, अपसारी हो रहा है। ये दो प्लेट मान लेते हैं, एक प्लेट इस तरफ भाग रहा है, एक तरफ उस तरफ भाग रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एक भाग रहा है पश्चिम की तरफ, एक भाग रहा है पूरब की तरफ। तो इसको इसको बीच में क्या होगी, दरार फटेगी, दरार फटेगी, ज्वालामुखी इसमें से निकलेगा। तो दरार फट रही है उसको बोलेंगे अपसारी, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक गति हो गया। दूसरा है अभिसारी प्लेट गति। अभिसारी प्लेट गति में क्या है कि दो प्लेट जो है वह एक दूसरे से आमने सामने आके टकरा जाते हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और आमने सामने से टकरा जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अभिसारी, कन्वर्ज हो रहे हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पे क्षय होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। अब देखिए समानांतर प्लेट गति क्या होता है, एक प्लेट इधर से आ रहा है और एक प्लेट यहीं से आकर के इस साइड में जा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से ना तो दूर हट रहे हैं, ना एक दूसरे में जा करके टकरा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर वह निकल गए एक दूसरे से आगे, तो उसको बोलेंगे समानांतर प्लेट गति। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए कि दो प्लेट है। अब ये दो प्लेट है, इसके बीच में इस तरह से जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसको कहेंगे अपसारी, दोनों में अपसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तो बीच का जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नीचे का जो मटेरियल है वह तो ऊपर आने के लिए ललायित ही रहता है। जैसे ही प्लेट जो है 100 किलोमीटर मोटा, जैसे ही अलग भागेंगे तो नीचे जो है दुर्बलता मंडल से तुरंत जो है गर्म गर्म मैग्मा बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपसारी, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहा है। और दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर होते हैं और आपस में आकर के टकराने लगते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते आके टकरा जाते हैं, एक प्लेट नीचे क्षेपित होगा और उसका मटेरियल नीचे जाकर के स्थेनोस्फीयर में गल जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे जाकर के दबेगा। तो उसको टकराहट जो होता है उसको बोलेंगे, उस गति को कहेंगे कन्वर्जेंट, एक दूसरे से के ऊपर कन्वर्ज हो रहे हैं। और एक गति होता है उसको बोलते हैं पैरेलल गति, उसको बोलते हैं समानांतर प्लेट गति। अब समानांतर प्लेट गति क्या है, एक प्लेट इस साइड में जा रहा है और एक प्लेट उधर से इधर आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ पैदा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, न ये टकरा रहा है एक दूसरे से और न एक दूसरे से यह दूर जा रहा है, बल्कि एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में आगे और पीछे बढ़ गया, तो इसको कहेंगे समानांतर गति। अब देखिए आप कहेंगे कि नीचे ऊपर क्यों नहीं होगा, तो नीचे ऊपर नहीं होता है, आप तो जानते हैं कि नीचे जो है स्थान खाली तो है नहीं, अब स्टेनोस्फीयर में ये अटके हुए हैं नीचे ऐसे, तो ये तो जाएंगे नहीं, तो एक तो इधर आएंगे या एक उधर जाएंगे, तो इसको बोलेंगे समानांतर गति। इस गति के कारण प्लेट जो है उसमें तीन किनारा बन जाता है। अब उस तीन किनारे को समझिए, क्योंकि किनारा का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेट की सारी जो क्रियाएं होती है वो सब किनारे पार्ट में ही होती है, किनारे में ही उसका क्षय होता है, किनारे में ही वह निर्माण करता है, किनारे में ही भूकंप आता है, किनारे में ही ज्वालामुखी पड़ता है, किनारे में ही आइलैंड आर्क्स बन जाते हैं, किनारे में ही ट्रेंच बन जाते हैं और किनारे में ही पर्वत का निर्माण कर डालते हैं। इसलिए किनारों को समझना बहुत जरूरी है, और इस चीज को पुराने वैज्ञानिक नहीं समझा पाए थे, प्लेट टेक्टोनिक इसको समझाएगा। तो किनारा भी तीन प्रकार का होता है, कौन कौन से होता है उसको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो तीन प्रकार का कौन कौन से किनारा हुआ, इस गति के कारण तीन प्रकार का किनारा पैदा हो गया, प्लेट किनारा, इसको प्लेट किनारा, या इसको बोलते हैं प्लेट मार्जिन, मार्जिन, इसको सीमांत भी कहते हैं, सीमांत, प्लेट का सीमांत या प्लेट का किनारा, यह तीन प्रकार का होता है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि सीमांत यानी मार्जिन और बाउंड्री, एक होता है सीमा, ये मार्जिन हुआ सीमांत, और एक होता है बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री को बोलते हैं सीमा। इस दोनों में अंतर है, इस दोनों में अंतर एकदम स्पष्ट करके रखिएगा। सीमांत क्या होता है,
प्लेट का किनारे वाला पार्ट को बोलेंगे। मान लेते हैं कि एक प्लेट है ये, अब इसका जो सीमा एकदम जो किनारे किनारे वाला पार्ट है, ये चारों तरफ से इसके किनारे वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे सीमांत, इसको बोलेंगे मार्जिनल, मार्जिनल मार्जिन्स बोलेंगे इसको। और दो प्लेट है, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट और यहाँ हमने बना दिया, और इस प्लेट के बीच का जो क्षेत्र है, दो प्लेट के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं सीमा, उसको बोलते हैं बाउंड्री, इसको बोलते हैं बाउंड्री। आप ऐसे भी देखते होंगे दो देशों के बीच में क्या होता है, सीमा होता है, बाउंड्री होता है जो दोनों देशों को अलग करता है। तो ये जो बाउंड्री है दोनों प्लेटों को अलग अलग कर रहा है, या तो टकराएगा यहाँ से या नहीं तो एक दूसरे से दूर जाएगा या एक दूसरे से समानांतर खिसकेगा, तो इसको कहेंगे बाउंड्री। बाउंड्री वह क्षेत्र होता है जिसमें प्लेटें संचलन करती है, मार्जिनल वह क्षेत्र होता है जो प्लेट का ही एक हिस्सा होता है, उसी का किनारे वाले पार्ट को कहते हैं। तो सारी जो क्रियाएं होती है वो यहीं पे होती है, ये जो प्लेट का मार्जिनल एरिया है ये, और ये जो बाउंड्रियल एरिया है ये सारी क्रियाएं इसी पे होती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। इसके आधार पे, मार्जिन्स के आधार पे प्लेटों को तीन प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार है उसको देख लेते हैं। एक है आपका कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, दूसरा है आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और तीसरा है आपका कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। पहला है आपका कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसको कहेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा, क्योंकि यहां रचना होगी। दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और तीसरा जो है उसको कहेंगे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, जिसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट किनारा, जिसको बोलेंगे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव है एकदम, ना विरोध कर रहा है ना उसका समर्थन कर रहा है, कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। अब एक एक करके इसको समझते हैं कि रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है और वहां किस तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है और किस तरह की हलचल होती है, उसके जियो फिजिक्स को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो आप देखिए रचनात्मक प्लेट किनारा ये क्या होगा। तो रचनात्मक प्लेट किनारा का उदाहरण अभी आपको हमने बताया है मिड अटलांटिक रिज, ये सबसे बड़ा उदाहरण है रचनात्मक प्लेट किनारा का। यहाँ पे अंदर से निकल रहा है मटेरियल और धीरे धीरे दोनों तरफ जम रहा है। यही नहीं, यह भी क्षेत्र जो देख रहे हैं आप पूरा का पूरा, आप इसको अटलांटिक इंडियन रिज कह सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम ही है प्रशांत, ये अटलांटिक और इंडियन रिज है, ये पूरा रिज है। आप देख रहे हैं यहाँ भी एक रिज है और ये भी एक रिज है इंडियन ओशन में, 90 डिग्री ईस्ट रिज इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज। यहाँ से भी मटेरियल बाहर आ रहा है और यहीं पे जम जा रहा है, और ये जो जम जा रहा है इसी को कहते हैं रिज। और भी देखेंगे आप, आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पे इस तरह के डाइवर्ज करने वाले रिज है, ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये हमने अभी अभी आपको इसमें बनाया हुआ है। देखिए इस रंग का जो प्रयोग है, लाल लाल रंग का जो प्रयोग है उसको डिस्ट्रक्टिव समझिएगा, यहाँ पे लाल लाल रंग का जो प्रयोग है ऐसे करके ऐसे, वो सब आपका डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है डिस्ट्रक्टिव। और जितने भी आप देख रहे हैं कि इस रंग का है, आप इस तरह के रंगों का प्रयोग हमने किया था, इसको बोलते हैं रचनात्मक, ये जो हमने ऐसे ऐसे बनाया है इसको बोलते हैं रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव। और ये जो देख रहे हैं इस रंग का प्रयोग हुआ है, ये कम से कम कई जगह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जगह है आप देख रहे हैं किस तरह से है, तो उसको कहेंगे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इस तरह से जो हमने प्रयोग किया है इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा, ये तीन रंगों का प्रयोग है, आप इसको ध्यान में रखिएगा और इस तरह से आप इसको करिएगा। तो अभी हम इसको मिटा करके हम बात कर रहे हैं रचनात्मक प्लेट किनारे को, पहले समझ लेते हैं कि रचनात्मक प्लेट किनारे के ऊपर होता क्या क्या है। तो रचनात्मक प्लेट किनारा ये है, रचनात्मक प्लेट किनारा कहाँ कहाँ होगा, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से दूर जाएगा, तो सबसे पहला ये हो सकता है कि महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा, महासागरीय हो सकता है या महाद्वीपीय हो सकता है, एक तरफ महाद्वीपीय एक तरफ महासागरीय एक दूसरे से दूर जाएगा। यहां देख रहे हैं आप, यहां पे देख रहे हैं कि ये महासागरीय है ना, ये देख रहे हैं महाद्वीपीय है, यहां भी देखिए इस तरह से है, यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी आप देखिए। तो ये हो गया, दूसरा देख लीजिए, महासागरीय से महासागरीय ही, रचनात्मक प्लेट किनारा जो है वह देख लीजिए, महासागरों से महाद्वीपीय प्लेट अलग होंगे, चाहे महासागरीय से महासागरीय प्लेट ही अलग हो जाएंगे, या तीसरी एक और संभावना हो सकती है, वो क्या हो सकती है, महाद्वीपीय से महाद्वीपीय ही दूर हो जाए, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, तीनों हो सकता है, तीनों का उदाहरण मिलता है हमारे विश्व में। लेकिन आप जो यहां देख रहे हैं इस तरह से, जो आपके ओशन के एकदम बीचों बीच में है, रीज है, तो यहां आप देख रहे हैं कि इस तरह से प्लेट एक दूसरे से दूर जाती रहती है, ज्यादा तो यही होता है महासागरीय महासागरीय के बीच में ही होता है, क्योंकि यह भी महासागर के बीच में है, इसलिए इसको मार्जिन को कहेंगे, महासागरीय प्लेट मार्जिन, लेकिन पूरे प्लेट को महासागरीय नहीं कहेंगे, इसको तो पूरा आप देख रहे हैं ये तो महाद्वीपीय है, इसमें महाद्वीप ज्यादा है, लेकिन मार्जिनल एरिया जो है उस एरिया को कहेंगे कि वह महासागरीय वाला क्षेत्र में, इसलिए महासागरीय महासागरीय हो गया ये। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक दो उदाहरण लेकर के कि कहां पे इस तरह से हो रहा है, जहां जहां होगा वहां क्या क्या बनेगा। देखिए वहां पे कम से कम 6 घटनाएं घटित होगी, क्या क्या घटित होगी, मान लेते हैं कि मिड अटलांटिक रीज में यहां से जो निकल रहा है लावा, उससे क्या क्या होगा, यहां पे देखिए कम से कम 6 चीजों का निर्माण होगा। इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, इसको मिटा करके हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या क्या बनेगा यहां पे। एक तो बनेगा यहां पे ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी की क्रियाएं होगी यहां पे, ज्वालामुखीयता होगी, इसको बोलेंगे ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म की क्रिया होती रहती है। दूसरी भूकंप आएंगे यहां पे, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भूकंप आना है, लेकिन भूकंप जो है वो छिछले होंगे, वह ज्यादा गहरे नहीं होंगे, छिछले भूकंप आते हैं यहां पे। तीसरा क्रिया क्या होगी, यहां पे सी फ्लोर स्प्रीडिंग होगा, यानी कि दोनों तरफ से जो है एक दूसरे से क्रस्ट जो है इस पे आ करके जम जा रहा है, इसके कारण जो है इसका फैलाव होगा, तो इसको बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रीडिंग। ये कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होगा इसको जरा समझिए, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जब दो प्लेटें आपस में, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इधर आप देख रहे हैं कि अमेरिकन प्लेट है, इसको अमेरिकन, इसको आप देख रहे हैं यूरेशियन, यूरेशियन, और आप ये भी देख रहे हैं इधर अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है। अब इसके नीचे से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, 100 किलोमीटर नीचे से, 100 किलोमीटर नीचे क्या है, यहाँ पे पिघली हुई चट्टाने हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे हॉट स्पॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा, हॉट स्पॉट होगा, यहाँ से निकलेगा क्या, प्लूम निकलेगा, प्लूम प्लूम निकलेगा, यहाँ पे प्लूम्स निकलेंगे, यहाँ से हॉट स्पॉट हो रहा है, इसको लाल से बना देते हैं, लाल से निकलते रहता है, इसलिए इसको लाल से बना रहे हैं, ये बाहर निकला प्लूम्स है, ये निकला क्यों, ये ऐसा है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी तो मिलेंगे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल भी तो होंगे, रेडियो एक्टिव मिनरल्स होंगे यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स होंगे, हॉट स्पॉट होंगे, प्लूम्स होंगे, यहीं पे स्थेनोस्फीयर इसको बोलेंगे,
स्थेनो स्फीयर भी इसको कहेंगे। एक चीज और इसमें आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी भी होगा। क्या होगा यहाँ पे? जियो थर्मल एनर्जी होगा यहाँ पे। ये इतना चीज इसके अंदर में है। अब यहाँ से निकलेगा लावा तो किसके सहारे निकलेगा? एकदम बीचों बीच। इसको बोलते हैं स्प्रीडिंग एक्सिस, इसको कहते हैं स्प्रीडिंग एक्सिस। अटलांटिक महासागर में भी है, स्प्रीडिंग एक्सिस है, इसके सहारे निकलेगा। इसको बोलते हैं स्प्रीडिंग एक्सिस। इस एक्सिस के सहारे ही दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या होगा कि यहाँ से जो मेटेरियल निकलेगा वह क्रस्ट में आके चिपक जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा, फिर दूसरा चरण में निकलेगा, फिर यहीं आके चिपकेगा, फिर यहीं आके चिपकेगा, फिर तीसरा, फिर यहीं पे आके चिपकेगा, फिर यहीं पे आके चिपकेगा। और यह जो चिपक रहा है ये पदार्थ, ये बाद में चिपकते चिपकते क्या बन जाएगा? यहाँ पे रिज बन जाएगा। इसको बोलेंगे रिज, इसको बोलेंगे रिज यानी कि कटक, इसको बोलेंगे कटक यानी रिज। ये दोनों तरफ बनेगा, यहाँ भी रिज बनेगा, रिज बनेगा यानी कटक बनेगा। और जैसे ही रिज बनेगा, तो रिज जैसे ही बनेगा तो इस दोनों को धक्का देगा, दोनों प्लेट को धक्का देगा, और ये दोनों प्लेट क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, यहाँ से ये दूर जाएंगे, क्योंकि जितना मटेरियल यहाँ जमा होगा उतना ही इसको धक्का दे देगा। और यह धक्का दे करके यह प्लेट इधर भागेंगे, यह प्लेट इधर भागेंगे, और यह प्लेट जो है कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाएगा। इसका पार्ट जो है, अगर यह भारी रहा तो नीचे छेपित हो जाएगा, अगर हल्का रहा तो ये ऊपर इधर के आने वाले प्लेट से ऊपर चढ़ जाएगा। मान लेते हैं भारी है तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन हल्का है तो यह ऊपर चला जाएगा। आप देख रहे हैं, अगर इसके उदाहरण से देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वह हल्का प्लेट है पैसिफिक की तुलना में। अब यह पैसिफिक जो है वो क्या करेगा? इसके नीचे चला जाएगा, और यह प्लेट जब इधर आएगा तो यह प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह प्लेट जो है इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, और जो प्रशांत प्लेट है, जो आपका इसका डायरेक्शन इस तरह से है, यह नीचे जाकर के छेपित हो जाएगा। छेपित मतलब होता है सबडक्ट हो जाना। सबडक्ट जो होता है उसको अभी हम समझाते हैं कि क्या होता है सबडक्शन जोन। इसको बोलते हैं यहाँ पे सबडक्शन जोन, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, या इसको बेनी ऑफ क्षेत्र भी बोलते हैं। बेनी ऑफ जोन, इसको बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ महोदय ने सबसे पहले खोजा था, उसका नाम था ह्यूगो बेनी ऑफ। वो बहुत बड़े भूकंप वैज्ञानिक थे, और उन्होंने खोजा था कि कैसे सबडक्ट हो जाता है। तो सबडक्शन जोन कहा, उसी को बेनी ऑफ जोन कहा, जहां पे चट्टाने अंदर जाकर के, अब अंदर में जाके गल जाती है। कौन सी चट्टाने जाके गलेगी? जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगा, जो ज्यादा भारी होता है वह धरातल को पकड़े हुआ रहता है। ऐसे भी समाज में भी देखते हैं, जो ज्यादा गंभीर होता है वह धरातल से जुड़ा हुआ आदमी होता है, ज्यादा ऊपर नहीं कूदता है। और ज्यादा ऊपर कौन को देगा? जो हल्का होगा। अब ये हल्का है, ऊपर की ओर उठेगा, और यहीं पे फोल्ड हो जाता है, यहीं पे फोल्डेड माउंटेन्स बन जाते हैं। तो इसको तो अभी हम समझाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स को समझ लीजिए। ये होता क्या है? तो स्प्रेडिंग एक्सिस के सहारे निकल रहा है, यहीं पे आकर के कटक बन जा रहा है, तो इसको कहेंगे कटक। और तो फिर क्या होता है, अंदर से जैसे ही निकलता है तो बाहर तो देखते हैं समुद्र है, ये पूरा का पूरा पानी है, ये जल इसको ठंडा करने लगता है, तुरंत इसको ठंडा कर देगा। इसको चट्टानों को, चट्टान जब ठंडा हो जाएगा यही जम जाएगा, तो क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, क्योंकि किसी न किसी चीज का निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ में देखते हैं कि दूसरे जगह जा करके यह ऊपर चढ़ रहा है, और इसमें आकर के ये प्रशांत प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट आके गल जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और इसी का गर्म गर्म लावा जो है फिर इसके सप्लाई कर दे रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो ऊपर जा रहा है, ऊपर आके यहाँ जम रहा है, यहाँ पे घट गया तो ये आके इसको सप्लाई कर दे रहा है। इस तरह से होते रहता है, इस तरह से महासागर फैलते रहते हैं। अटलांटिक और हिंद, ये दोनों महासागर फैल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या क्या होगा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझ गए आप लोग, और भी इस पे क्या क्या घटनाएं घटित होगी उसको देख लीजिए। कटक का निर्माण होगा, कटक तो हो रहा है यहाँ पे, कटक का निर्माण होगा, कटक का निर्माण होगा। अब बताइए पांचवा क्या होगा? इतना चीज तो हो गया, पांचवा में क्या हो सकता है? पांचवा में क्या क्या होगा? इसमें लगभग लगभग आपको हमने बता ही दिया है कि इस पे और क्या क्या हो सकता है। कटक का तो हो ही गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, भूकंप, ज्वालामुखी, इतना चीज तो होगा ही होगा। और भी इसमें अब जान लीजिए कि क्या क्या होगा। यहां पे अंतः सागरीय पर्वत श्रेणी का भी निर्माण होगा। क्या होगा? अंतः सागरीय पर्वत श्रेणी का भी निर्माण होगा।
अंतःसागर राइज, उसका भी यहाँ पे निर्माण होता है। कहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पे। तो इतनी क्रियाएं होती है और ये सब जगह जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है वहाँ वहाँ ये क्रियाएं चल रही है। ये आप देख रहे हैं ना, ये चल रही है। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स तो हो गया, अब आप देख लीजिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स में वो क्या क्या होता है। तो रचनात्मक प्लेट किनारा आप समझ गए, अब देखिए विनाशात्मक प्लेट किनारा को समझिए। विनाशात्मक प्लेट किनारा को समझ लीजिए। विनाशात्मक प्लेट किनारा जिसमें दो प्लेट आपस में टकरा करके एक दूसरे में समा गई, जो भारी होगा नीचे जाएगा, हल्का होगा ऊपर आ जाएगा, वहां क्या क्या होगा वहां पे देख लीजिए। तो ये संभावना कैसे कैसे है कि क्या क्या हो सकता है, तो उसको देखते हैं। पहला, कौन कौन सी प्लेटें टकरा सकती है उसको देख लेते हैं। इसमें महाद्वीपीय प्लेट से महासागरीय प्लेट टकरा सकती है, महाद्वीपीय से महासागरीय प्लेट टकरा सकती है। दूसरा हो सकता है, महासागरीय प्लेट ही टकरा सकती है। सागरीय। और तीसरा संभावना हो सकता है कि महाद्वीपीय से महाद्वीपीय प्लेट ही टकरा सकती है। तीन संभावना हो सकता है। अब क्या क्या होगा अगर महाद्वीपियों से महासागरीय प्लेट टकरा जाए तब क्या होगा, इसको जरा हम लोग एक बार देखते हैं। अब देख रहे हैं कि यह महाद्वीपीय प्लेट है और इधर आपका पैसिफिक प्लेट है, ये पूरा का पूरा प्लेट है, प्रशांत महासागर का प्लेट। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, जहां भी इस तरह की घटनाएं होगी तो वहां एक चीज तो निश्चित रूप से होना है कि भूकंप आएगा, वह भी विशाल, बहुत तगड़ा भूकंप आएगा वहां पे। यहाँ पे देख रहे हैं प्रशांत महासागर का ये टकरा रहा है, साथ ही साथ और भी देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ भी प्रशांत महासागर का प्लेट टकरा रहा है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और इधर पैसिफिक प्लेट, इसके बीच में भी टक्कर हो रहा है, और अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में भी टक्कर हो रहा है, और इससे देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा निर्माण होता है। हम आपको दिखाने के लिए दिखा देते हैं ये ग्लोब। इस ग्लोब में आप देखिएगा कि ये पूरा प्रशांत महासागर है, इसमें पूरे के पूरे एक प्लेट सम्मिलित है, इसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। यह प्लेट आप देखते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि इस नॉर्थ पैसिफिक प्लेट और साउथ पैसिफिक प्लेट, ऐसा तो इसमें नहीं है, इसमें एक ही प्लेट है पूरा का पूरा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकता है कि आप इसको पूर्वी पैसिफिक प्लेट बोल सकते हैं, इसको पश्चिमी प्लेट पैसिफिक प्लेट बोल सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं ना वेस्टर्न पैसिफिक प्लेट हमने बनाया है, लेकिन वो मानचित्र है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न वाला इधर है, अब मानचित्र में देख रहे हैं उधर है, इधर आप देख रहे हैं कुछ और। तो देखिए ये 2D डायमेंशनल है, अगर इसको मोड़ दे, इसको लेकर के मोड़ दे और गोल कर दे, इस तरह से ग्लोब में कन्वर्ट कर दे इस बोर्ड को, तो आप देखेंगे कि ये स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पश्चिमी और इसको बोलेंगे पूर्वी। तो पश्चिमी प्लेट में भी ये छेपन हो रहा है, क्योंकि भारी प्लेट है तो यूरेशियन प्लेट जो है उसके ऊपर से आके चढ़ जा रहा है, और इधर भी इंडियन प्लेट जो आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर भी इसके साथ टक्कर हो रहा है, और साथ ही साथ इधर देख ले हैं अमेरिकन प्लेट भी ऊपर से आकर के इस पे चढ़ जा रहा है, और पैसिफिक प्लेट नीचे जा कर के सम जा रहा है उसके, चूंकि बहुत भारी है, बहुत घनत्व का है, इसलिए नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या बनेगा उसको देखिए, वो जो बनेगा वहाँ पे भूकंप तो आना तय है। पहला क्या होगा, जो विनाशात्मक प्लेट में महाद्वीपीय से महासागरीय प्लेट टकराएगा तो क्या होगा, पहला नंबर पे भूकंप आएगा, भूकंप बहुत गहरे मूल का भूकंप आएगा, विशाल विशाल भूकंप आता है। कभी कभी तो कहा जाता है कि भूकंप जो है वो बहुत नीचे से धरातल के अंदर से आता है, ये गहरे मूल के भूकंप आएंगे। कभी कभी उसकी गहराई 700 किलोमीटर नीचे से भी आ जाता है। कहने का मतलब है कि क्रस्ट का जो पार्ट है वो काफी अंदर तक धंसा हुआ रहता है। चलता कैसे है क्रस्ट, देखिए दो नाव का आप उदाहरण ले लीजिए, उसके आधार पे उसका संचलन करिए। दो नाव है, वो तैर रहा है नदी पे, है ना, और आपस में आके टकरा गया, और टकरा करके एक नीचे चला गया तो काफी नीचे तक जो चला गया तो बहुत गहरा भूकंप आएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर रह के ही गल गया तो उसमें कम गहरे भूकंप आएंगे, लेकिन यहां तक तो ज्यादातर गहरे भूकंप आते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है
सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र प्रशांत का जो तटीय क्षेत्र है यह क्षेत्र, और यह क्षेत्र यह भूकंप के दृष्टि से सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप आता है, 68% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, पैसिफिक सर्कमफ्रेंस वाले क्षेत्र में आते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाले क्षेत्र में। दूसरा यहाँ पे आता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा यहाँ फटता है, लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखीयता का जो क्षेत्र है, ज्वालामुखीयता ये इसी क्षेत्र में है सबसे ज्यादा। यानी कि इसको इसीलिए बोलते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, इसको बोलते हैं फायर रिंग, इसको बोलते हैं अग्निवलय, अग्निवलय इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटेगा। होता क्या है कि यह चट्टान ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, और नीचे जाने से वो जो गलता है और गल करके कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगा। अब ये अंदर में घुसा, अंदर में घुसता है, ऐसे मान लेते हैं कि कैसे टकराएगा, ये देख लीजिए दो प्लेट हम यहाँ बना दिए, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा है, ये और ये। अब ये क्या होगा, यह प्लेट भारी है, नीचे जाकर के क्षेपण हो जाएगा, सबडक्शन जोन में जाकर के क्षेपित हो जाएगा, 100 किलोमीटर नीचे जाके गलना शुरू हो गया। अब जो गलेगा, इधर से धक्का लग रहा है, इधर से जो गलेगा ये ऊपर आके चढ़ेगा, ऊपर आके चढ़ेगा, यहीं पे फोल्डेड माउंटेन बनेगा। फोल्डेड माउंटेन क्यों बनेगा? क्योंकि पहले से नदी के द्वारा यहाँ मलबा जमा हो रहा है, ये जो प्लेट है इस पे नदी है बहुत सारे, और नदी आकर के यहाँ मलबा जमा कर रही है, मलबा जमा कर रही है, उसको बोलते हैं जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन ये मलबा जमा कर रहा है, उसको बोलते हैं जियोसिनक्लाइन बन जाता है। और जियोसिनक्लाइन में तो बलन होता ही है, साथ ही साथ प्लेट का किनारा वाला पार्ट भी मुड़ जाएगा, प्लेट का किनारा भी मुड़ेगा, ये दोनों काम होगा इसमें, एक तो जियोसिंक्लाइन भी मुड़ेगा, प्लेट का किनारा भी मुड़ेगा, दोनों मुड़ेगा, और इसके कारण यहाँ फोल्डेड माउंटेन बन जाएगा। फोल्डेड माउंटेन इसको कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन बनेगा यहाँ पे। आप देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचा जो माउंटेन है उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, वह बना हुआ है इसी क्षेत्र में, यहाँ रॉकीज है और यहाँ पे एंडीज है। तो आप देखेंगे मानचित्र में हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे है, इस तरह से आप देख लीजिए इसको, आप इसमें देखेंगे मानचित्र में, देखिए यहाँ पे कितना विशाल एक रॉक्स है, यहाँ पे रॉकीज पर्वत है, यहाँ पे एंडीज पर्वत है, इधर बन गया, और इधर से देखिए, इधर से जब इसमें आता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग स्थलाकृतियाँ है, यहाँ पे भी ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, फ्यूजियामा वगैरह बनता है। तो ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी नीचे से निकलेगा और बाहर आएगा, एकदम सेंट्रल इरप्शन होगा वहाँ पे, ऊपर आकर के उसका मटेरियल यहाँ जमेगा, तो यहाँ पर भी द्वीप वगैरह बन जाएंगे और ज्वालामुखी पर्वत भी बन जाएंगे। पर्वत जो है वो किस तरह से बनेगा, ज्वालामुखी पर्वत भी बन जाएगा यहाँ पे, यंग फोल्डेड माउंटेन तो बना ही है, तो ज्वालामुखी पर्वत भी बनेगा। क्या क्या बनेगा यहाँ पे? ज्वालामुखी पर्वत भी बनेगा, आप देखेंगे यहाँ कोटोपैक्सी, यहाँ पे देखेंगे इंडीज में, यहाँ पे कोटोपैक्सी है, इस तरह से यहाँ पे बनते हैं बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ फ्यूजियामा है जापान में, वो बना हुआ है। साथ ही साथ और भी बनेगा, जैसे आइलैंड आर्क्स बनेगा, आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स बनेंगे, आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स भी बन जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स भी बन जाते हैं, हालांकि आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स जो होते हैं वह महासागरीय महासागरीय प्लेट के बीच में टकराने से ही बनते हैं ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पे महाद्वीप और महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने से भी बन जाते हैं, इसका भी उदाहरण मिलता है, लेकिन ज़्यादातर बनते हैं महासागरीय महासागरीय प्लेट के टकराने से। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ क्या बनेगा, आइलैंड आर्क्स फेस्टून्स बने, उसके बाद उसमें और बनेगा, यहाँ पे बनेगा ट्रेंच, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेंच बना हुआ है प्रशांत महासागरीय प्लेट के किनारों में ही, ये देख रहे हैं आप अमेरिकन प्लेट और प्रशांत के किनारे में, और इधर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के इस वाले क्षेत्र में दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा ट्रेंच बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ मेरियाना ट्रेंच है, यहाँ पे देखेंगे आप फिलीपींस के आसपास यहाँ भी ट्रेंच है, तो यहाँ पर महाद्वीप और महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, इसे ट्रेंच भी बन जाते हैं। तो आप ट्रेंच भी समझ गए, ट्रेंच कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि दो बड़े बड़े प्लेट आपस में टकरा गए, प्लेट ये प्लेट है ये टकरा गए, ये प्लेट है ये टकरा रहे हैं, इसमें ये क्या है, एक प्लेट नीचे जाके क्षेपित हो रहा है,
क्षेपित जो हो रहा है, तो यहां पे क्या होता है कि नीचे से मेटेरियल इसमें नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहां पे निकलने के लिए जो है वह ये बहुत मोटा होता है, इसलिए इसको फाड़ के निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल है। यह दूसरे जगह से निकलेगा, कहां, जहां पे इसको, जहां पे आसानी से इसको निकलने का पूरी भौगोलिक सुविधा मिल जाए, ऊपर की चट्टाने कमजोर हो, वहां से वो निकल जाती है, तो वहां पे ऐसा होता है, इधर से टकराएगी, इधर से आके निकलेगी। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो टकराती है, तो इसके कारण क्या है कि यहां पे जो मटेरियल नीचे चला गया, तो यहां पे एक बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेंच, एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, इसको डिप्स बोलेंगे या इसको ट्रेंच बोलेंगे। तो ट्रेंच बन जाता है, कहां बनेगा, महाद्वीप और महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने से बन जाते हैं, तो ट्रेंचेज भी बन जाते हैं। अब देख रहे हैं इतना चीज बन रहा है, आइसलैंड आर्च बन जा रहे हैं, ट्रेंच बन जा रहा है, इतना कुछ बन जा रहा है। अब देखिए और क्या क्या हो सकता है, अब आपको बताते हैं। अच्छा, पर्वत तो बन ही गए, एंडीज और रॉकीज, इस तरह से पर्वत भी बन गए, तो ये सब हो गया। उसके साथ साथ महासागरीय महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो क्या क्या बनेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए महासागरीय महासागरीय प्लेट के अभिसरण से क्या क्या होगा। देखिए महासागरीय और महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, वहां एनर्जी इकट्ठा होगी। अब देखते ही हैं कि जैसे ही टकराएगा तो यहां पे एनर्जी इकट्ठा होना तय है, और जो भारी प्लेट होगा वह नीचे जाके सबडक्ट हो जाएगा और यह प्लेट ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। अब ऊर्जा बहुत ज्यादा पैदा हो रही है इसके नीचे, तो ऊर्जा तो किसी न किसी फॉर्म में निकलने की कोशिश करेगी, तो वहां भी भूकंप आएंगे, लेकिन भूकंप जो है वह बहुत ज्यादा मान का नहीं होगा, वो छिछला भूकंप होगा, लेकिन आएगा जरूर। उससे टक्कर से पर्वत भी बन जाता है, महासागरीय महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने से भी। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ पर्वत यहाँ पे आपको मिलेंगे जापान के आसपास, बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत आपको मिलेंगे, हजारों की संख्या में है, और इस तरह से पर्वत बन जाते हैं, जिसको अभी हमने आपको बताया था आइसलैंड आर्क्स और फेस्टून्स, यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है, यहाँ भी मिलता है। और यहाँ हवाईयन द्वीप अगर देखिएगा आप, यहाँ पे आप देखेंगे प्रशांत महासागर में यहाँ पे हवाईयन द्वीप है, तो हवाईयन कटक यहाँ बना हुआ है, ये ज्वालामुखी के उद्गार से ही बना हुआ है, और यहाँ दो प्लेट महासागरीय दो प्लेट आपस में यहाँ टकरा जाती है, इसके कारण ये हो रहा है। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं जापान में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जापान में जो द्वीप है इसको होन्सु है, शिकोकू है, क्यूशू है, ऐसे ऐसे इसमें आप देख रहे हैं कि द्वीप है। अब देखिए इसमें होकाइडो द्वीप भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं होकाइडो द्वीप है। होकाइडो में देखिएगा कि पूर्वी जो क्षेत्र है होकाइडो का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो पूर्वी क्षेत्र है होकाइडो का वह ज्यादा विकसित है, ज्यादा विकसित, और पश्चिमी क्षेत्र जो है वह कम विकसित है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया ये, तो आप देखिए यहाँ पे पैसिफिक प्लेट टकरा रही है किससे, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे जो आप फिलीपाइंस प्लेट है उसके साथ वो टकरा रही है। उससे होता क्या है कि पैसिफिक प्लेट तो नीचे चला जाता है, और उसका जो नीचे जाने के कारण वहां पे मान लेते हैं कि इस तरह से प्लेट है ऐसे, और ये प्लेट है, ये प्लेट आपस इधर आ रही है, टकरा रही है इस प्लेट से, ये प्लेट इधर जा रहा है, ये प्लेट इसके ऊपर, ये प्लेट इसके नीचे। इसके कारण क्या होता है कि यहां से तो टकरा गया, ये होकाइडो द्वीप समझ लीजिए आप इसको, होकाइडो ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ से तो टकरा गया। तो आप कहेंगे कि ज्वालामुखी और भूकंप तो यहीं ज़्यादा आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जब ये टकराता है तो ये दूर जा करके, कम से कम 200 किलोमीटर दूर जा करके यहाँ पे गल जाता है, और इसको निकलने के लिए यहाँ से रास्ता मिल जाता है उसको, यहाँ से निकलेगा वो, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहा है और यहाँ से वो निकलेगा। अब यहाँ से एनर्जी निकलना चाहती है, इसलिए भूकंप और ज्वालामुखी दोनों यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। किस क्षेत्र में, होकाइडो के पश्चिमी क्षेत्र में। अब चूंकि यहाँ भूकंप ज्यादा आते हैं तो विकास तो डेवलपमेंट तो प्रभावित होगा ही होगा, इसीलिए यह कम विकसित है, ये ज्यादा विकसित है। ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए जापान के जो पूर्वी द्वीप है होकाइडो, पूर्वी क्षेत्र में वह कम विकसित है और पश्चिमी जो है वह ज्यादा विकसित है, क्यों, इसका कारण बताइए। तो कारण में आप यही बताइएगा कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है अभी जो हमने आपको बताया, तो यहाँ पे ये सब हो सकता है। साथ ही साथ जल रिसकर नीचे चला जाता है यहीं से ना, ये तो समुद्र के अंदर में ही, यहाँ पे देख रहे हैं जल है पूरा, जब टकराया तो इसी के साथ जल रिसके नीचे जाएगा, और यही जल जो है बाद में एनर्जी यहाँ पे ज्यादा फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जल जैसे ही नीचे जाएगा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो उसमें गुप्त ऊष्मा बढ़ जाएगी, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, और वह लेटेंट हीट
और ज्यादा हिट हो जाएगा और वह ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ के चट्टानों को वह तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर तोड़ दिया तो ज्वालामुखी हो जाएगा, अगर नहीं तोड़ पाया तो भूकंप तो ला ही देगा, तो भूकंप से उसको हलचल पैदा कर देता है। इसलिए जापान में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, इस क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं, ट्रेंच बनते रहते हैं, तो वहां पे ज्वालामुखीता होगी। साथ ही ज्वालामुखी द्वीप भी बना हुआ है, हवाईयन द्वीप अभी हमने आपको बताया, द्वीपीय चाप अभी बता ही दिए हैं। फिलिपाइन और प्रशांत के टकराने से यहाँ पे भूकंप पैदा हो रहा है होकाइडो वाला क्षेत्र में, तो ये भी आप समझ गए हैं। तो महासागरीय महासागरीय प्लेट भी हो गया। अब देखिए महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराएंगे तब क्या क्या होगा वहां पे, तो अभी आप तीसरा देख लीजिए, ये अंतिम है और उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। तीसरा है जब महाद्वीपीय 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 प्लेट का अभिसरण अभिसरण कन्वर्जेंट होगा महाद्वीप और महाद्वीप। तो महाद्वीप और महाद्वीप में क्या होगा, जहां पे महाद्वीपीय हिस्सा ज्यादा है ना, उस मार्जिन को कहेंगे महाद्वीपीय मार्जिन। तो महाद्वीप और महाद्वीप, अब देखिए आप इसमें कहां कहां आपको मिलेगा, अभी आपको मिल जाएगा ये पूरा अफ्रीकन जो है हमने यहाँ पे बनाया था, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र का पूरा एक प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है और इधर आप देखते हैं यूरेशियन प्लेट है। उसी तरह से यहाँ देखिए इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है तो ओशनिक प्लेट, लेकिन ये मार्जिनल एरिया जो है मार्जिनल एरिया महाद्वीप में पड़ता है, तो इसलिए इसको कहेंगे महाद्वीप महाद्वीप के मार्जिनल एरिया। अब देखिए यहाँ पे जो ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, इसके उत्तर बढ़ने से क्या है कि यहाँ आल्प्स पर्वत का निर्माण हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एटलस पर्वत का निर्माण हो गया क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे काकेशस पर्वत का निर्माण हो गया, और जो इंडियन प्लेट है उसके उत्तर और पूर्व में खिसकने से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब ये आप ये पूरा क्रम में आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक 33 सागर था, कहां से कहां तक, ये पूरा का भूमध्य सागर से लेके ये पूरा अराकान योमा के आसपास तक का क्षेत्र, पूरा का पूरा एक 33 सागर का क्षेत्र था, और इसमें अफ्रीकन प्लेट के उत्तर में खिसकने और भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण उस 33 सागर के अंदर में जो मलबा जमा हुआ था जियो सिंक्लाइन, उसमें बलन हो गया और उससे पर्वत बन गया। साथ ही यहाँ भी थोड़ा क्रस्टल जो है क्रस्टल बेंडिंग भी हुआ है, क्रस्ट का भी पार्ट थोड़ा सा अंदर में चला गया है, क्योंकि आप देखते हैं इंडियन प्लेट भारी है, ये नीचे क्षेपित हो रहा है, अफ्रीकन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के तुलना में भारी है, ये नीचे जा रहा है और ये प्लेट ऊपर से आ रहा है, ये प्लेट ऊपर से आ रहा है, ये प्लेट नीचे जा रहा है, तो यहाँ भी पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पर्वत का निर्माण हो रहा है, पर्वत का निर्माण, साथ ही साथ देख रहे हैं कि दूसरा काम भूकंप भी आ जा रहा है, यहाँ पे भूकंप आता है, यहाँ पे भूकंप क्यों आता है, क्योंकि यहाँ भी जो क्षेपित हो रहा है जो प्लेट वह नीचे जो जा रहा है, उस नीचे जाने के कारण होता क्या है कि अंदर में इकट्ठा हो जा रहा है एनर्जी, ये नीचे जा रहा है तो अंदर में तो गल जा रहा है, एनर्जी इकट्ठा होगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर तो देखते हैं कि यहाँ तिब्बत का पठार है, यहाँ आप देखते हैं कि भारतीय जो प्लेट है वह भी काफी कठोर है और इधर साइड में भी, तो होता क्या है कि वहां पे फार के नहीं निकल पाता है, फार के निकलेगा कहीं कहीं पे, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फार के निकलता है इटली और सिसिली के आसपास, इसलिए स्ट्रांबोली नाम का ज्वालामुखी वहां पे बनता है, लेकिन भारतीय या तिब्बत वाला क्षेत्र में जो है वहां पे ज्वालामुखी नहीं फटता है, क्योंकि ऊपर से दबाव ज्यादा है, हिमालय खुद ही बहुत मोटा है, 8848 मीटर आप देख रहे हैं उसकी मोटाई है, और तिब्बत का पठार दुनिया के बहुत कठोर पठार में से आता है, तो वह ज्वालामुखी को नहीं फटने देता है, लेकिन वह जो ज्वालामुखी नहीं फटता है वह फ्रस्ट्रेटेड होता है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि रुको, तो जब वह लौटने लगता है यहां से, जब अंदर से आया इधर से मान लेते हैं कि एक प्लेट है, इधर से ये प्लेट है, इधर भारतीय प्लेट है, ये जो नीचे जाके क्षेपित हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे गलेगा, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, इसको निकलने नहीं दे रहा है कौन, तिब्बत का पठार, तो क्या करेगा यहाँ पे जोर से धक्का देगा, वह मार के भागने की कोशिश करेगा, यहाँ जोर से धक्का देगा, तो जोर से धक्का देगा तो भूकंप आएगा, ज्वालामुखी तो नहीं फट पाएगा, तो यह जो है वो ज्वालामुखी फाड़ देगा, सॉरी भूकंप ला देगा, और ज्वालामुखी जो है वह कहीं और जाकर के फटेगा, वो इस साइड में हो सकता है निकल जाए। आप देखेंगे 90 डिग्री ईस्ट रीज के सारे यहाँ एक बैरन एक द्वीप है, वहां सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अंदर से जो क्षेपण हो रहा है, तो यहाँ इटली स्ट्रांबोली के आसपास भी स्ट्रांबोलियन जो है ज्वालामुखी, वहां पे एक पूरा का पूरा ज्वालामुखी लगातार वहां से इरप्शन हो रहा है उसका, और पूरे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा है, कहाँ जहाँ कमजोर क्षेत्र है और जहाँ ज्यादा मजबूत है यहाँ भूकंप आएगा, तो भूकंप आ रहा है और ज्वालामुखी फट रहा है, तो दोनों क्रियाएं यहाँ पे होगी, भूकंप भी आएंगे
और ज्वालामुखी भी फटेगा, तो ज्वालामुखी भी हो गया, ये ज्वालामुखी भी फटेगा। और क्या क्या हो सकता है यहां पे, जहां महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट आपस में टकराते हैं, तो इतना काम होगा। साथ ही साथ ये तो महत्वपूर्ण हो गया, अब इतना हम रहने देते हैं। अब लास्ट में आप पूरे सिद्धांत का जो है, प्लेट टेक्टोनिक के जो सिद्धांत है उसका हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या कहेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो लगभग बहुत सारी समस्याओं को सोल्व कर देता है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात इसमें रह गई थी, उसको आप समझ लीजिए कि एक प्लेट हमने बताया था अंटार्कटिकन प्लेट, और एक प्लेट आपको इस साइड में देख रहे हैं इंडियन प्लेट। ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा प्लेट इंडियन और अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन या बाउंड्री है यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है कि दरार फट रहा है, और दरार फटने से अंदर से आर्गन गैस निकलता है। कौन सा निकलता है? आर्गन गैस। और वह आर्गन गैस कहाँ जा रहा है? सीधे वायुमंडल में ऊपर चला जा रहा है। कहाँ पे? ओजोन परत के आसपास। और ओजोन को वह क्षय कर रहा है, ओजोन के परत को वह पतला कर दे रहा है, उसमें डिप्लेशन पैदा कर रहा है, उसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। यह प्राकृतिक कारण से हो रहा है पृथ्वी में, यह प्राकृतिक कारण है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई हाथ नहीं है। ऑलरेडी यहां से निकल रहा है जो गैस, वह जा करके अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि निकल तो रहा है अंटार्कटिका के बगल में ही, इसीलिए आप जो यहां जो देख रहे हैं, ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पे, इसके चारों तरफ एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यहीं से आर्गन गैस निकल करके वायुमंडल में चला जाता है, और वायुमंडल में ऊपर जा करके ओजोन की जो परत होती है 20 से 25 या 30 किलोमीटर के आसपास में, वहाँ पे जा करके वह ओजोन को डिप्लेशन कर रहा है, और इससे ओजोन परत में क्षय हो रहा है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था कि अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों ओजोन परत क्षय हो रहा है, जबकि वहां तो मानव रहते ही नहीं है, वहां तो इंडस्ट्री भी नहीं लगा हुआ है, ना वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोई छोड़ता है कि इस तरह से जाकर के ओजोन परत को क्षय कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पे क्षय क्यों हो रहा है, उसी के वायुमंडल पे छिद्र क्यों बन जा रहा है? तो उसका कारण है प्लेट का डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो इसको आप समझ गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है, यह बहुत सारी समस्याओं को सोल्व कर देता है, लेकिन इसमें एक कमी यह है कि यह भी अभी भी एकदम ऐसे तथ्य पर आधारित नहीं है। अब आइए आपको हम संरक्षी प्लेट किनारे के बारे में बताते हैं। देखिए, संरक्षी प्लेट किनारा जो है, वहां पे दो प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो वहां पे बनेंगे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। एक देखिए, एक प्लेट इधर भाग रहा है, एक प्लेट इधर भाग रहा है, एक मान लेते हैं दो प्लेट है, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, ऐसे भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बीच का जो क्षेत्र है यहीं पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेगा, भ्रंश उसको कहते हैं, बड़े बड़े भ्रंश बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भ्रंश बने हुए हैं, जैसे अमेरिका में ही देखिएगा आप, इधर नॉर्थ अमेरिका के आसपास यहाँ कैलिफोर्निया में है सैन एंड्रियास भ्रंश, इसी तरह से यहाँ पे एल्यूशियन भ्रंश है। तो जहां जहां संरक्षित प्लेट किनारा है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है, वहां वहां मिलता है। ऐसे आप देखेंगे कि छह क्षेत्र है, एक यहाँ है, एक आप यहाँ पे था आप स्कोशिया वाला, उसको आप देख लीजिएगा मानचित्र में, यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेबियन प्लेट के बगल में है, एक दो तीन चार तो यही हो गया, एक पांच देखिए इंडियन प्लेट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अफ्रीकन और इंडियन प्लेट, इसके बीच में भी एक संरक्षित प्लेट सीमा है, और साथ ही साथ एक देख रहे हैं यहाँ पे है एक लंबा पूरा का पूरा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, एक यहाँ भी संरक्षित प्लेट सीमा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संरक्षित प्लेट सीमा में क्या क्या होगा, एक तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही भूकंप भी आता है, छिछले मूल का होता है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा लेकिन भूकंप आते हैं, साथ ही रिफ्ट घाटी भी बन सकता है, वहां पे भ्रंश मंडल का निर्माण हो जाता है, उसके सारे रिफ्ट घाटी भी बन सकती है, तो ऐसा भी है। उसके साथ ब्लॉक माउंटेन भी बन सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी बन जाते हैं, ज्वालामुखीयता की क्रियाएं भी होती है। एक विद्वान बता रहे थे, विद्वान तो नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, बताए हैं ज्वालामुखी की क्रियता होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्वालामुखी की क्रियता भी, ज्वालामुखीयता भी यहाँ पे होती है। साथ ही कटक और घाटी का निर्माण भी यहाँ हो सकता है, कटक और घाटी, रिजेज और वैलीज का निर्माण भी इस संरक्षित प्लेट किनारे पे हो सकता है। इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बहुत सारी समस्याओं को सोल्व करता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसका आलोचना भी आप कर सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है ना, वह रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, वह ये तो बताता है कि प्लेट संचलित हो रहे हैं, सारे के सारे पृथ्वी में प्लेट है और प्लेट संचलित होते हैं, लेकिन किस दर से संचलित होते हैं, किस दर से उसमें मूवमेंट होता है, रेट नहीं बताते हैं, रेट ऑफ मूवमेंट नहीं बताते हैं, वो रेट ऑफ मूवमेंट नहीं बताते हैं। एक तो ये आलोचना हो गया,
आलोचना में, या आप इसको कह सकते हैं निष्कर्ष में भी कह सकते हैं आप इसको। साथ ही साथ एक और बात है कि भूकंप कहीं पे आता है, भूकंप हो या ज्वालामुखी फटना हो, ज्वालामुखीयता की जो क्रिया होती है वो कहाँ होगी और कब हो जाएगी, कब हो जाएगी, इसके बारे में वह सही सही सटीक पूर्वानुमान नहीं कर पाता है। अगर यह पूर्वानुमान कर लिया सटीक तब तो यह एकदम से सफल माना जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई नई खोजें होती जा रही है। तो इस तरह से आपका यह कंप्लीट हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिएगा, इससे हमारा प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे ढंग से हम वीडियो बना पाएंगे और भी क्वालिटी वाला वीडियो आपको दे पाएंगे। तो जय हिंद।